जो है ना मंदिर है उसके बगल में अपना गुरुद्वारा है, उसके बगल में चर्च है, क्या मतलब पूरे हिंदू धर्म से यार आज जो है तुलसी दिवस भी है। सो हे गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। और आज जो है ना, आज पता होगा आपको किस्मत है, लेकिन किस्मत का एक चीज और है, तो मुझे कमेंट में बताओ। चलो मैं ही बता देता हूँ, आप लोग को पता तो होगा नहीं, आज जो है तुलसी माता का दिवस भी है, तुलसी दिवस जिसको कहते हैं हम, तो आज वो भी है, आज है 25 दिसंबर। तो आज हम जा रहे हैं चर्च। वैसे मेरा प्लान था राजी चौक जाओ या चांदनी चौक जाओ उधर, लेकिन लास्ट टाइम मैं गया था और बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, और जो था लॉकडाउन के चक्कर में चर्च जो था बंद था। और आज अभी टाइम हो रहा है गाइस 6:25 टाइम हो रहा है, और अभी निकलते हैं यहाँ से। मतलब मैं अपने आसपास की चर्च ही जा रहा हूँ, जो मेरे यहाँ से करीब करीब 5 किलोमीटर के अंदर अंदर है उसमें जा रहा हूँ। उस चर्च की खास बात है, तो वहाँ पे आपको जाके दिखाता हूँ फटाफट से, फटाफट निकलते हैं फिर आपको दिखाऊंगा वहाँ का सीन। तो अभी जो हम निकल चुके हैं गाइस, और मेरे साथ एक बंदा हो रहा है, तो उसको वहाँ पे जाके आपको मिलाएंगे। तो मतलब जो चर्च है ना गाइस, मैं मतलब पहली बार लाइफ में जा रहा हूँ, मतलब गया था मैं एक बार ही करीब करीब 8-9 साल के पहले आसपास गया था मैं चर्च, तो अब तक तो ध्यान नहीं मुझे। और मुझे ये भी नहीं पता गाइस कि एंट्री देंगे या नहीं देंगे चर्च के अंदर, क्या और कोई रिलीजन का बंदा चर्च के अंदर जा सकता है नहीं जा सकता, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी तो नहीं है। और मैं जो हूँ मतलब लाइफ की सेकेंड या थर्ड टाइम जो है मैं जा रहा हूँ चर्च में, और उस चर्च की एक खास बात है वो ना मैं आपको वहाँ पर पहुँच कर दिखाऊंगा। तो अब ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, वहाँ पर पहुँचते क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए ना। और आपको एक काम करना है यार, अगर आपको वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है ना गाइस, तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर, और वीडियो को लाइक करना, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि यार आप वीडियो जो देख रहे हो 26 तारीख को देख रहे हो, और देखो 5 दिन है आपके पास भी, मतलब मेरा टारगेट है कि 31 दिसंबर तक हमारे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए, थोड़ा सपोर्ट करो गाइस। और फटाफट से पहुँचते हो, सीधा आपसे चर्च में ही मिलेंगे। तो गाइस आखिर घूमते घूमते मतलब भटकते भटकते हम जो है पहुंच चुके हैं, रास्ता समझ नहीं आ रहा था, कहते हैं सिंपल सा रास्ता हमारे घर से, मतलब फिर भी समझ नहीं आ रहा था। तो मुन्ना भाई को कॉल करा, उन्होंने थोड़ा रास्ता समझाया, और मेरे साथ आया सौरभ भाई। सौरभ भाई उधर से कहो चैनल को सब्सक्राइब करे, तो मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ जो चर्च है इसकी कुछ खासियत है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसकी क्या खासियत है। जो चर्च है इसके ठीक बगल में जो है ना मंदिर है, उसके बगल में अपना गुरुद्वारा है, उसके बगल में चर्च है, और आज जो है हम जाएंगे चर्च के अंदर जाएंगे। हम यहाँ पे मतलब देखा तो इधर कई बार है मैंने, लेकिन मैं घूमता आज पहली बार हूँ चर्च के अंदर, देखते हैं हमारा जो है फर्स्ट इंप्रेशन चर्च के अंदर कैसा रहता है। तो भाई सभी जो है मैं अंदर जा रहा हूँ, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है चर्च के अंदर जो मैं जा रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे पता तो नहीं वीडियो अलाउड है या नहीं है, मैं आपको बैक कैमरे दिखाता हूँ यहाँ पे। तो गाइस चर्च जो है हम घूम चुके हैं, लेकिन हम धर्म से जो है थोड़े हिंदू भी है, थोड़े या मतलब पूरे ही हिंदू है धर्म से यार, ठीक है। तो मतलब सारे धर्म को हम फॉलो करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारे धर्म को अगर आप फॉलो करते हो, लेकिन अपने धर्म को कभी मत भूलना। तो अभी जो है आर्य समाज मंदिर है, अभी हम मंदिर के अंदर एंट्री करेंगे और भगवान जी के दर्शन करेंगे। मंदिर के अंदर भी जाना जरूरी है, क्योंकि क्योंकि आज जिसको नहीं पता, आज मैं आपको बता दे रहा हूँ, आज जो है तुलसी दिवस भी है, आज तुलसी माता का जो है जन्मदिवस है, आज के दिन ही मनाया जाता है 25 दिसंबर को, कई लोग ये नहीं जानते होंगे। और फटाफट हम चलते हैं मंदिर के अंदर। तो गाइस चर्च में तो मैं कुछ मिला नहीं, लेकिन मंदिर पे आते ही हम वीडियो बना रहे थे, हमने बोला यार प्रसाद तो खा के जाओ, तो मंदिर में प्रसाद मिल चुका, राजमा चावल। देखो प्रसाद का मतलब ही नहीं था, प्रसाद मतलब हमारे धर्म में तो है ये कि मतलब प्रसाद बांटना जरूरी होता है, लेकिन चर्च में तो नहीं मिला, मैं फर्स्ट टाइम गया था, तो पता नहीं उनके बांटा जाता है नहीं बांटा जाता, लेकिन मिला तो मुझे कुछ नहीं, तो मंदिर से मिला। मंदिर के अंदर भी चलते हैं, आपको दिखाते हैं मंदिर के अंदर। तो गाइस 8 बज चुके हैं, और हम घूमने तो चर्च आए थे, पर बगल में मंदिर, यार मंदिर कैसे नहीं घूमेंगे, तो मंदिर में मजा आ गया। थोड़ी सी क्लिप डाल रहा हूँ, ठीक है, और करीब करीब 21 मिनट के आसपास हमारा भाई जो इंस्टाग्राम पे लाइव आया था, इंस्टाग्राम का अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे भी तुम्हारा भाई अब अपडेट रहने लगा है, यूट्यूब की सारी चीज़ डालता रहता है भी तुम्हारा भाई, तो इसलिए इंस्टाग्राम पे भी आगे फॉलो कर लो। तो मंदिर से निकल चुके हैं, बस अब थोड़ी देर में यहाँ से आपको सिनेमेटिक शॉट बना के दिखा दे रहे, फिर निकलते सीधा घर को। तो गाइस हम जो है घूम चुके हैं, और ये खड़ी अपनी फुल, और पहुंच रहे अब घर की तरफ वापस से। उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा शेयर करना, मिलते हैं कुछ बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।